लेडिज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। देवियों और सज्जनों, भाई और बहनों, आप सभी को स्वागत है आज का इस वीडियो पे। और आज का ये वीडियो पे मैं बताने वाला हूँ, अपन बताएगा आप सभी को कि ये गिटार आपको लेना चाहिए क्या नहीं। स्पेशली ये गिटार लेफ्ट हैंड से जो प्ले करते हैं उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया हुआ गिटार है। मैं भी लेफ्ट हैंड से ही प्ले करता हूँ, इसीलिए मैंने ये गिटार मंगाया। आपको बताऊंगा इस वीडियो में मैं कि ये गिटार आपको लेना चाहिए कि नहीं। इसका प्राइस 5,000 रुपये है, तो ये गिटार 5,000 रुपये में अच्छा है क्या नहीं वो आपको मैं बताऊंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए वो बेल आइकन बटन को भी। सबसे पहली बात, इसके साथ में जो ये मैंने परचेस किया था बॉक्स में, इसको छोड़ के सब कुछ आया था। ये कैपो को छोड़ के सब कुछ आया था, जो भी लगता है इसमें, बैग है, प्लेक्ट्रम है, वो प्ले करने का प्लेक्ट्रम, प्लस स्ट्रिंग, 6 स्ट्रिंग भी आया था इसमें, जो गिटार में है ही है। तो उसके अलावा और भी 6 स्ट्रिंग आया था, और इसका स्ट्रैप बेल्ट आया था इधर, इसको ही अपन कैरी करने के लिए वो बेल्ट आया था, 6-7 आया था, क्या क्या आया था वो सब 6-7 मैंने आपको फ़ोटो में दिखा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और इसका सबसे अच्छी बात, जब अपन ऑनलाइन गिटार परचेस करते हैं ना, तो ध्यान देने वाली बात, इसका जो ये निक, ये गर्दन, और इसका जो ये क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिंग का डिस्टेंस रहता है ना, अपन बिगिनर्स के लिए वो स्ट्रिंग ज़्यादा दूर पे रहा तो अपने को प्ले करने के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो इसका स्ट्रिंग और निक भी एकदम बराबर लाइन में है, एकदम नज़दीकी है, अपने को ये बार कोड प्रेस करने के एकदम आसान रहता है ऐसा। और स्ट्रिंग भी मस्त है, और इसमें एक ट्रस रोड बोलते हैं, इसके अंदर एक छेद रहता है, उसमें नट डाल के इसको अपन ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो वो ट्रस रोड भी इसमें है, और वो ट्रस रोड में डालने का नट भी इसके साथ में आया था, ठीक है। और इसका बिल्ड क्वालिटी भी एकदम ही मस्त है, बवाल, मतलब चकाचक इसका बिल्ड क्वालिटी है। ग्लॉसी फिनिशिंग देखो, एकदम मैट फिनिशिंग, ग्लॉसी फिनिशिंग क्या बोलते हैं, एकदम चकाचक मस्त है, ठीक है। और हेलो हेलो, हाँ ठीक है, कितने देर में आ रहे हो आप इधर? मैं 11 बजे के बाद मैं उधर रहता हूँ, स्टॉल में रहता हूँ, ठीक है। 11 बजे के बाद आपने अपना स्टॉल पे आ जाना आप, ठीक है। हाँ हाँ ओके। तो मैं किधर था भाई लोग, तो ये है ना सब सब आपको, अगर आप ये लोग, आप लोग भी ये गिटार लेने का देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये गिटार कम्प्लीटली मस्त है, मतलब कम्प्लीटली बेस्ट है। बिल्ड क्वालिटी, स्ट्रिंग भी इसका बराबर है, ज़्यादा ऊपर उठा हुआ नहीं है, और इसमें ट्रस्ट रोड भी है इसमें, इसको ऊपर नीचे करने के लिए। बिल्ड क्वालिटी मस्त है, सब 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 ठीक है। बाकी इसमें एक ही ये नहीं है, इसमें जो अपन स्पीकर पे गिटार को लगाते ना, प्लग इन करते ना, उसको पिकअप बोलते हैं, वो पिकअप इस पर नहीं है, ठीक है। तो ये स्पीकर पर नहीं लगेगा आपका, अगर आपको स्पीकर पर लगाना रहा तो, अगर आपको वो मिलता है अमेजोन पे मिलता है पिकअप, एक्सटर्नल पिकअप बोलते हैं उसको, तो 1,000 रुपये तक आ जाएगा आपको, इधर डाल के इधर फिट होता है वो, उसके बाद आप स्पीकर पे किधर भी लगा सकते हैं, ठीक है। वो इसके इनबिल्ट नहीं है, इस पर साथ में नहीं आया हुआ है, अलग से आपको लेना पड़ेगा इसका पिकअप। अगर गिटार आप ऑनलाइन देखते ना तो आपको देखना चाहिएगा, सेमी ऑकोस्टिक लिखा हुआ रहेगा, तो उसमें इधर होल रहता है, अपन वो गिटार को स्पीकर पे प्लग इन कर सकते हैं। फुल्ली ऑकोस्टिक, खाली ऑकोस्टिक लिखा हुआ होगा तो इस आपको इसमें नहीं मिलेगा, अंदर इसका जैक का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको कभी भी है ना ऑनलाइन गिटार परचेस करते समय वो जैक वाला चाहिए ना, तो देखना चाहिए उधर लिखा हुआ रहेगा, सेमी ऑकोस्टिक गिटार, ठीक है। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक जिस कोई ने भी देखा हुआ है यार, तो आप सभी को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा। और वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। लिव योर ड्रीम, लिव योर लाइफ, लव यू ऑल, बाय बाय।